नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज बात करूंगा इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स गलत या फर्जी बिल लगाने वालों को आ सकता है नोटिस। दोस्तों, अगर आपको नोटिस आया है या आपने कोई गलत बिल लगाया हुआ है इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, तो आप जान सकते हैं उसको कैसे बचे। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए ज़्यादातर लोगों ने टैक्स बचाने के लिए अपने ज़रूरी निवेश दस्तावेज जमा कर दिए हैं। अगर किसी को लगता है कि उसने कोई गलत या फर्जी बिल लगाया है तो उसे खुद ही इसका सुधार कर लेना चाहिए और विभाग के नोटिस का इंतजार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी इनकम टैक्स आपको नोटिस देता है तो ज़्यादातर लोग, क्या हम में से ज़्यादातर लोग, हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे द्वारा किए गए गलती का ही नोटिस होता है। दोस्तों, तो ऐसी गलती हम लोग करें ही क्यों? तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग करते समय आप लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स, गलत डॉक्यूमेंट्स को लगाने से बचें, और अगर आपसे गलती से फर्जी डॉक्यूमेंट्स लग गया है तो उससे कैसे आप लोग निजात पाएं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप लोग के वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आजकल ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम कम से कम टैक्स पे करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ होता है कि हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारा 34,000 रुपये टैक्स कट रहा है कि 24,000 ही कटे, कुछ ऐसा करें। दोस्तों, सेविंग करने का तरीका और भी कई सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें, इन सब चीज़ों पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना रखा हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स नोटिस की। दोस्तों, इनकम टैक्स बचाने के लिए निवेश के तमाम प्रमाण देते समय बहुत से लोग गलत या फर्जी बिल जमा कर देते हैं। आयकर विभाग के पास अब ऐसे मामलों की जांच के लिए पुख्ता इंतजाम है, इसलिए ऐसे लोगों के पास विभाग से नोटिस आ सकता है। आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या दंड हो सकता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। दोस्तों, अर्जेंट नोटिस आती है, टैक्स लाइबिलिटी नोटिस आती है ज़्यादातर लोगों की, ज़्यादातर लोग हम में से घबरा जाते हैं, लेकिन आप लोग धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि क्या मैक्सिमम पेनल्टी आ सकती है और उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग दोस्तों आज बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेके, कि अगर आपको कोई नोटिस आया है तो उससे हम लोग कैसे निजात पाएं। दोस्तों, टैक्स मामलों के एक्सपर्ट का कहना है कि अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को किसी जाँच या पेनल्टी का सामना इसलिए नहीं करना पड़ता है क्योंकि उनके एम्प्लॉयर के लेवल से ही बिल आदि का वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद जब आयकर विभाग को किसी पर शक होता है तो वह उसका वेरिफिकेशन करता है और संदेह पर नोटिस भेजता है। ऐसे लाखों में कोई एक केस होता है। दोस्तों, नौकरी पेशा लोग ज्यादातर मामलों में फर्जी बिल लगाने की गुंजाइश बहुत कम करते हैं क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी, होम इंटरेस्ट लोन आदि का जो बिल वह देते हैं वह किसी संस्था या कंपनी का होता है, इसीलिए उसमें फर्जीवाड़े की गुंजाइश ना के बराबर होती है। फिर भी टैक्स की आपाधापी में कई लोग फर्जी बिल लगा देते हैं, खासतौर से मेडिकल बिल्स या LTA लीव ट्रेवलिंग अलाउंसेस का भुगतान करने के लिए हवाई टिकट या ट्रेन का फर्जी टिकट लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक तरीके का फ्रॉड ही हुआ, क्यों ना। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अगर आप कोई फर्जी बिल लगा रहे हैं और वो सरकार से बचते हुए आप लगा रहे हैं कि सरकार नहीं समझ पाएगी, तो दोस्तों आप अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन होता है। दोस्तों, जितना भी आप खर्च करते हैं, जितना भी आप इनकम टैक्स भरते हैं, अगर उस पर आप रिटर्न लेते हैं तो सबसे अच्छी बात होती है कि आप एक भारतीय नागरिक होने के साथ साथ इस देश के एक अच्छे नागरिक भी बनते हैं। दोस्तों, मेडिकल बिल्स, लीव ट्रेवलिंग अलाउंसेस, इन दोनों चीज़ों को हम लोग ज़्यादातर फर्जी टिकट लगा देते हैं कि इतना क्लेम करते हैं और इतना पैसा आ जाता है, लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी का आपको एक नोटिस दे देता है कि इसका आप ओरिजिनल बिल दिखाइए या फिर जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड की है उसके डेटाबेस से मैच करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स उसके डेटाबेस से मैच करते हैं, अगर वहाँ से आपका मैच नहीं होता है तो फिर आपको लेनी की देनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स नोटिस आते ही हम सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से इससे आप बच सकते हैं। थोड़ी सी चलाकी करना आपको बड़ा नुकसान
झेलना पड़ सकता है। अगर आपने टैक्स बचाने के लिए कोई फर्जी बिल लगाया तो थोड़ी सी चालाकी आपका बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। अगर कंपनी ने आपका बिल पास कर दिया है तो भी जिम्मेदारी आपकी ही मानी जाएगी। इनकम टैक्स विभाग 3 तरह से फर्जी बिल जमा करने वालों को पकड़ सकता है। पहला, इनकम टैक्स विभाग टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी करता है। इसके लिए वह जांच के लिए रैंडमली किसी भी करदाता के रिटर्न को चुन सकता है। अगर रिटर्न में दी गई जानकारी को आप साबित नहीं कर पाए तो पकड़े जा सकते हैं। दूसरा, इनकम टैक्स विभाग किसी कंपनी के पास जमा आयकर दाता के दस्तावेजों की मांग कर सकता है। अगर जमा किए गए बिल फर्जी पाए गए तो भी आप इनकम टैक्स की जाँच के दायरे में आ जाएंगे। और तीसरा, अगर इनकम टैक्स विभाग से किसी ने आपके बारे में शिकायत की है तो आपके टैक्स बचाने के लिए फर्जी बिल लगाए हैं तो आपके दस्तावेजों की जांच हो सकती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जितने लोगों का नोटिस आया हुआ है या जितने लोगों का नोटिस आता है भविष्य में, उनको कितना फाइन या पेनल्टी लग सकता है? दोस्तों, अगर आपको नोटिस आता है तो ऑब्वियस ही बात है, आप टैक्स फ्रॉड किए हैं। दोस्तों, किसी भी तरह का फर्जी बिल लगाना या गलत दस्तावेज देना एक अपराध माना जाता है। आज जितनी राशि का फर्जी बिल लगाते हैं उतनी ही राशि का यानी 100% जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी आपको उतनी राशि का टैक्स छूट तो नहीं मिलेगा, उस पर भी ऊपर से 100% आपको जुर्माना देना होगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है, अब टैक्स फ्रॉड सर्च करना इजी है। जी हाँ दोस्तों, अब फर्जीवाड़ा पकड़ना सबके लिए आसान हो गया है। आजकल कंप्यूटर आधारित प्रोसेसिंग से आयकर विभाग के लिए यह आसान हो गया है कि ऐसे फर्जीवाड़े को पकड़ लें। फॉर्म 16-26 AS के तहत दी गई जानकारी पैन आधारित होती है। जी हाँ दोस्तों, आपके सिर्फ दो फॉर्म, दोस्तों कैसे आप IDR भरें इसका भी मैं वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग वीडियो देख कर और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म 16 TDS सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग शेयर, कितना आपका टैक्स डिडक्शन होता है वो सब कुछ फॉर्म 16 में मेंशन होता है। 26 AS के तहत दी गई जानकारी पैन आधारित होती है। जी हाँ दोस्तों, आपके पैन कार्ड से बिल्कुल मैच की हुई होती है। अगर इसमें किसी तरह का मिसमैच होता है तो ऐसे व्यक्ति को आयकर विभाग नोटिस भेज देता है। फॉर्म 16 ITR फॉर्म से सिंक होता है, जिसके द्वारा ITR के डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मैच कर लिया जाता है। धारा CC के तहत आने वाली कटौती जैसे LIC बिल, मेडिक्लेम आदि के सभी पेटेंट कर्मचारी के 26 AS से जुड़े होते हैं, जो आयकर विभाग को भी उपलब्ध होती है। ऐसे में आयकर विभाग इस तरह के फ्रॉड को आराम से पकड़ सकता है। दोस्तों, क्या करना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रखकर ज़्यादातर लोग मेडिक्लेम पॉलिसी से भी सरकार को चूना लगाने की सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार के पास हर एक संस्थाओं के डिटेल्स होती है कि कहाँ आपने कितना खर्च किया है, वो आसानी से इजीली निकाल सकता है। इनकम टैक्स ऑफिशियल सीधा वहाँ के डेटाबेस से कॉन्टैक्ट करते हैं और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से वो डेटा ले लेते हैं, फिर आपको नोटिस जारी करते हैं। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि टैक्स फ्रॉड से कैसे बचे, क्या करना चाहिए अगर आपको नोटिस आ गया है। दोस्तों, टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी को लगता है कि उसने गलती से अपने एम्प्लॉयर को किसी मद का कोई फर्जी या गलत बिल दे दिया है तो ITR भरते समय इसको दुरुस्त कर सकता है। ITR भरते समय आप उस मद का क्लेम ही ना लें जिसमें आपने फर्जी या गलत बिल लगाया था। ITR के बाद अगर आयकर विभाग ने आपको नोटिस भेज दिया है तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए। आयकर विभाग से संपर्क करें और जरूरी जुर्माना देकर इससे राहत पाएं। जी हाँ दोस्तों, जरूरी जुर्माना देकर इससे राहत पाएं। बाकी अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएँ सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।